आईपीएल 2021 को लेके गाइस यहां पे काफी सारी न्यूज निकल कर आ रही है सभी टीमों की तरफ से, और ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से गाइस यहां पे आज भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बारे में। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ू उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को वन क्लिक एप्लीकेशन के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सी अमेजिंग एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में गाइस आप लोग गेम खेल के पैसे कमा सकते हो, और भी गाइस इस एप्लीकेशन में कई सारे फीचर्स आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। अगर गाइस अगर अपने फ्रेंड को रिकमेंड करते हो, अगर उनसे रेफर करते हो, तो उसके बदले भी आपको इस एप्लीकेशन में कमीशन मिलेंगे, और आप लोग डेली के डेली हजार रुपए लाखों तक भी आप लोग इस एप्लीकेशन से कमा सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे जल्दी जाइए डाउनलोड कीजिए। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहली न्यूज के बारे में। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फिन एलन की तरफ से। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जोसू फिलिपे ने अपने पर्सनल रीजन की वजह से जैसे आईपीएल 2021 से वो अपने आप को पुल आउट कर लिए थे, एंड ऐसे ही गाइस यहां पे आरसीबी की टीम मैनेजमेंट यहां पे एलेक्स एल जेसन रॉय के साथ कॉन्टेक्ट में जुड़ गए थे एंड इनको अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहते थे। लेकिन गाइस यहां पे माइक हैसन एक विकेट कीपिंग बैट्समैन को चाह रहे थे जो कि उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी था, और ऐसे में गाइस यहां पे माइक हैसन ने आरसीबी की टीम मैनेजमेंट को उन्होंने सजेस्ट किया था फिन एलन का नाम। और फिन एलन की गाइस यहां पे पुरानी वीडियोस को उठा के देखा गया, रिसेंट फॉर्म देखा गया, तो गाइस यहां पे काफी अच्छा फॉर्म था, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैनेजमेंट ने उनको आरसीबी की टीम में आईपीएल 2021 के लिए साइन कर लिया। और जैसे गाइस यहां पे साइन किया गया तो गाइस यहां पे फिन एलन की तरफ से भी इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी, और वहां पे स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया था आईपीएल 2021 के लिए, क्योंकि माइक हैसन उनको अच्छी तरह से जानते थे एंड उनके साथ वो रहे। और जैसे आईपीएल 2021 में गाइस आरसीबी के लिए फिन एलन साइन हुए, वैसे ही गाइस यहां पे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने गाइस उनको सिलेक्ट कर लिया बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के T20 सीरीज के लिए। और जैसे गाइस उनको सिलेक्ट किया गया एंड जैसे उनको मौका मिला, उन्होंने डायरेक्टली गाइस पे मौके पे चौका मारा और 29 गेंदों में गाइस 71 रनों की पारी खेल के दिखाई फिन एलन ने। जी हां गाइस फिन एलन रिसेंट अगर उनको फॉर्म देखेंगे तो गाइस काफी अच्छा था, और जैसे उनको सीरीज में मौका दिया न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने, उस मौके पे वो खड़ा उतरे और 29 गेंदों में गाइस एक धमाकेदार पारी खेल के दिखाया फिन एलन ने। और ऐसे में ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि गाइस यहां पे इंटरनेशनल लेवल में परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और अगर आप आईपीएल में आते हैं, अगर आपको आईपीएल में मौका दिया जाता है और अगर यहां पर भी आप कमाल कर देते हो तो आप यहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट में और भी ज्यादा बेहतर करते जाते हो और आईपीएल में भी आपका नाम बन जाता है। तो इस तरीके से गाइस अब फिन एलन अगर खेलते हैं तो गाइस इनका बहुत बड़ा नाम होने वाला है आईपीएल 2021 में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इनको आईपीएल 2021 में मौका मिलेगा या नहीं, क्या इस साल भी हम सभी को एबी डिविलियर्स विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे या नहीं, तो इसके ऊपर भी अभी सवाल है। आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या निकल कर आती है वो आगे हम सभी को पता चल जाएगा। माइक हैसन एक एक करके सभी का अपडेट वो कर देंगे। तो गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है डेन क्रिस्टन की तरफ से। तो गाइस यहां पे फाइनली डेन क्रिस्टन गाइस यहां पे चेन्नई पहुंच चुके थे एंड उनका क्वारंटाइन यहां पे खत्म हो चुका है, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था। एंड गाइस जैसे उनका क्वारंटाइन यहां पे खत्म हुआ तो गाइस आज से गाइस वो आरसीबी के प्रैक्टिस कैंप के साथ जुड़ चुके हैं और आज से उनका प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऑफिशियल में एक वीडियो अपलोड किया गया था जहां पे गाइस यहां पे डेन क्रिस्टन से कुछ सवाल जवाब किया गया, जहां पे उन्होंने विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी के बारे में बात किया, फिन एलन के बारे में भी उन्होंने बात किया एंड उनको आरसीबी के साथ जुड़ के कैसा लग रहा है एंड कैसा वो इस साल करने वाले उसके बारे में उन्होंने बातचीत किया। तो गाइस यहां पे वो काफी अच्छा फील कर रहे हैं ऐसा उन्होंने कहा। आईपीएल 2021 के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और आरसीबी की टीम के साथ जुड़ के उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ग्लेन मैक्सवेल, डेनियन सैम्स को लेके। तो गाइस यहां पे फाइनली डेनियन सैम्स ने गाइस यहां पे कल अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में उन्होंने एक पिक अपलोड किया था जहां पे उन्होंने फ्लाइट का टिकट दिखाया था एंड वहां पे उस टिकट में लिखा हुआ था 1 अप्रैल एंड 1 अप्रैल कल था। तो कल गाइस यहां पे बैठ चुके हैं वो फ्लाइट ग्लेन मैक्सवेल और
डेली एंड सैम, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, सारे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी सब कहीं सब एक साथ आ रहे हैं आईपीएल 2021 खेलने के लिए इंडिया। तो कहीं सब फाइनल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के डेली एंड सैम और गाइस यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल आ रहे हैं इंडिया। तो गाइस आज हम सभी को इंडिया में नजर आने वाले हैं ग्लेन मैक्सवेल और डेली एंड सैम। तो गाइस यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की तरफ से इस सारी न्यूज यहाँ पे सामने निकल कर आ रही थी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।